alone, right now, in the middle of the forest. Yes, I am in the middle of the forest. Night safari, of course, हम लोग जहाँ पर उतरे हुए हैं वहाँ पर उतरना allowed है. यहाँ पर एक अंदर मंदिर है तो हम कोई नियम कानून तोड़ नहीं रहे. But it is amazing, exciting, dangerous. I don't think so. But yes, we pushed ourselves out of the comfort zone. इसलिए आज का टॉपिक लिया है कम्फर्ट, COMFORT. और मैं आपको कुछ बहुत अमेजिंग चीज़ बताने वाला हूँ कि कम्फर्ट जोन के बाहर जाने की वजह से आज हमें एक बहुत ज़बरदस्त साइटिंग हुआ जो शायद नहीं होता. पन्ना में बहुत सारी बारिश हो रही है और हर कारण था कि हम हमारे होटल से ना निकले, बट हम जिप्सी में निकले. बीच में ढेर सारी बारिश हुई, जंगल में गए, कोई साइटिंग नहीं हुई, लेकिन मायूस ना होते हुए खुशी के माहौल में वापस निकले. फिर से जोरदार बारिश हुई, हुड लगाया और घाट उतरने के बाद जब हुड उतारा गया, सडनली हम क्या देखते हैं, हाईवे के नज़दीक से, हाईवे के बगल से हमने टाइगर देखा. सो टाइगर इतना बढ़िया दिखा जो जंगल में आज तक मैंने नहीं देखा. इसका एक ही सिंपल रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने अपने आप को चैलेंज किया, कम्फर्ट जोन से निकले. तो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट, चैलेंज योरसेल्फ. अगर आप सक्सेस चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप जिस किसी फील्ड में हो उसमें आपको बहुत सारा यश मिले, कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना है. और उसके लिए सबसे पहले चैलेंज योरसेल्फ, अपनी सीमाओं को, अपने लिमिट्स को आप धकेलिए, उसके बाहर निकलिए, क्योंकि सक्सेस हमेशा कम्फर्ट जोन के बाहर होता है. देन दूसरा पॉइंट जो मैंने आपके लिए आज सोचा है, ओ ऑब्सेशन इज़ अ मस्ट. जब तक जुनून सवार नहीं होता, जब तक पागलपन सवार नहीं होता है, तब तक आपको सक्सेस कभी नहीं मिल सकता. ऐसा कहा जाता है, शिवाजी महाराज के बारे में कहा गया है उनके इतिहास में, वेड़ लागल्याशिवाय इतिहास घड़त नहीं. मतलब जब तक पागलपन सवार नहीं होता है आप इतिहास नहीं रच सकते. किसी भी फील्ड में जाइए आपको इसके हर जगह पर एग्जाम्पल्स मिलेंगे. उसके बाद एम, मोटिवेशन. मोटिवेशन आपको तभी मिलेगा जब आप ऑब्सेस्ड रहेंगे. मोटिवेटेड रहना ये आसान काम नहीं है, बट जब आप अंदर से इंस्पायर्ड होते हो, आप पागल होते हो, जब लोग आपके प्रति, अरे नहीं यार इसके साथ तो कोई काम कर नहीं रहा. जैसे ए आर रहमान का मैंने एग्जाम्पल एक बार दिया था कि उनके साथ म्यूजिक बनाना ये पागलपन का काम होता था, क्योंकि वो रात रात को इंस्पिरेशन आता था और सारी टीम को लेके बैठ जाते थे. सो ऑब्सेशन, जब आपको क्वालिटी का ऑब्सेशन होगा, जब आपको जुनून होगा, अपने आप आगे बढ़ते रहने वाले हो. जैसे ये वीडियो बनाने के बारे में मैं ऑब्सेस्ड हूँ, और जब आप ऑब्सेस्ड होते हो तो अपने आप आपको मदद करने के लिए एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं. जैसे लाइट मुझे मिल गया, जैसे सुशील जैसे दोस्त, अभिनव जैसे दोस्त, वो लोग मुझे हेल्प करने के लिए तैयार है. नाइट सफारी के बीच में रुक कर ये वीडियो बनाया जा रहा है. सो ये जो आप पागलपन जब करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, सारे एलिमेंट्स उस तरह से आते हैं कि वो आपको इंस्पायर करने के लिए और काम पूरा करने के लिए पूरी कायनात आपको हेल्प करती है. सो सिर्फ विश करने से नहीं होगा, पुश करने से होगा. आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट. देन एफ का पॉइंट हमने क्या सोचा था यार, मैंने अभी अभी लिखा था आपके लिए, 9424. ये कैमरा भी जो लिया है, जिसके मोबाइल में मैंने लिखा है, वो भी यहाँ पर बैठे हुए एक सदस्य है इस गांव के, झिन्ना नाम के गांव में जहाँ पर है. एफ पॉइंट क्या सोचा था हमने, हाँ सो इट इज़ पॉसिबल कि इतना मोटिवेट होने के बाद आप बहुत सारा फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए क्रिएट करेंगे. इट इज़ पॉसिबल कि आपके फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं, और अगर नहीं भी हुए तो बिना मायूस हुए लगे रहना है, तभी जाके आपका पर्पस पूरा होगा. सो एफ, यस, फाइंड अ पर्पस. एफ वॉज फाइंड अ पर्पस. देखिए मैंने अभी भी लिखे हुए पॉइंट से और एक पॉइंट गायब हो गया था, बट वापस याद आया. क्यों? क्योंकि इंटेंशन इज वेरी क्लियर कि मुझे मेरा मैसेज आप तक, सैकड़ों लोगों तक, हजारों लोगों तक पहुंचाना है. फाइंड अ पर्पस. जैसे मेरा पर्पस है, मुझे अगले 5 साल में 1,000,000 लोगों को इंस्पायर करना है. वो इंस्टाग्राम के थ्रू हो, यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू हो, मेरे लेक्चर्स के थ्रू हो, बट 1,000,000 लोगों को इंस्पायर करूंगा. और उसके लिए जो जरिए से मैं कर सकता हूँ करते रहूंगा. उसके लिए मुझे दोस्तों को तकलीफ देनी पड़ी मैं दूंगा. अभी मेरे दोस्त का हाथ दर्द भी कर रहा होगा, ही विल डू इट बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ माई पर्पज नाउ. ओके, देन फाइंड अ पर्पज के बाद द नेक्स्ट पॉइंट, ओ ओपन हो गया, मतलब मोबाइल ओपन हो गया. व्हेन यू हैव अ पर्पज, यू नो अपॉर्चुनिटीज विल प्रेजेंट देमसेल्व्स. आपको अपॉर्चुनिटीज सामने से आएंगे. जो लोग बोलते हैं मुझे चांस नहीं मिलता, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलती, मुझे मार्क्स नहीं मिलते, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता,
जुनून नहीं है, पागलपन नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है. और अगर आप ये करोगे तो अपॉर्चुनिटीज आते रहेंगे, दे विल प्रेजेंट देमसेल्व्स. द सेकेंड लास्ट पॉइंट आर, ये सब करते वक्त कई बार ऐसा होगा कि आप अपने आप पे शक करने लगोगे क्योंकि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. ये भी हो सकता है कि आपको घमासान फेलियर हो, पानीपत हो जाएगा आपका, जैसा मराठों के इतिहास में लिखा गया, पानीपत होना मतलब नेस्त नाबूद हो जाना. लेकिन फिर भी आप वापस आ सकते हो जब आपके पास रिजर्व एनर्जी होगी. और रिजर्व एनर्जी कब आएगी? अंदर से सेल्फ बिलीफ जब होगा कूट कूट के भरा हुआ. और इस टाइम पे काम में आते हैं दोस्त, इस टाइम पे काम में आते हैं सच्चे दोस्त, फैमिली, फ्रेंड्स, जिनका सपोर्ट आपके काम में आता है. एंड इफ यू आर अ बिलीवर इन यूनिवर्स, इफ यू आर अ बिलीवर इन गॉड, कोई नहीं होगा तो वहां से एनर्जी आएगी, याद रखिए. सो रिजर्व, बट याद रखिए, वेदांत में कहा गया, स्वामी विवेकानंद ने बोला है कि अगर आपको सेल्फ बिलीफ नहीं है तो भगवान में बिलीफ हो ही नहीं सकता, यूनिवर्स में बिलीफ हो ही नहीं सकता. एंड द लास्ट पॉइंट माय फ्रेंड्स, टी, ट्रस्ट योर गट. ट्रस्ट योर गट मतलब क्या? हमारी जो गट फीलिंग होती है, हमारे जो अंदर से, स्टीव जॉब्स के कमेंसमेंट स्पीच में बोला था उन्होंने, योर हार्ट ऑलवेज नोज व्हाट इज राइट फॉर यू. सो प्लीज ट्रस्ट योर गट. जब डाउट होगा ना तो एक बार सिर्फ सोच के देखो कि मेरे पास ऑप्शन नहीं होते और मुझे ये करना है, हाँ या ना. जैसा अभी एक स्टूडेंट 10th का, मेरे ही टीम मेंबर के एक बेटे ने, जिसने कॉमर्स में एडमिशन भी लिया था, उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं अभी भी कन्फ्यूज हूँ, मैं कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ. मैंने उसको सिर्फ इतना ही बोला, बेटा विदाउट ब्लिंकिंग पहले दिमाग में क्या आता है? उसका जवाब आया साइंस. मैंने उसको तुरंत बोला यू शुड गो फॉर साइंस. फिर मैंने पूछा क्या करने का सोचा है, उसका वो भी क्लियर है, वेटरनरी मेडिसिन, वो जानवरों का डॉक्टर बनना चाहता है. अगर अभी से एक 10वीं पास बच्चे का क्लियर है कि वो क्या बनना चाहता है, आई थिंक ही इज सॉर्टेड एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैंने एक स्टूडेंट खोया, मैंने मेरे कोचिंग क्लासेस का एक स्टूडेंट खोया, बट मैंने लाइफ लॉन्ग के लिए एक फैन पाया. सो याद रखिए माय डियर फ्रेंड्स, कंफर्ट आज का टॉपिक, कंफर्ट जोन के बाहर निकलना है तो ही सक्सेस मिलेगा. ये वीडियो आपके लिए हम बना रहे हैं बारिश में, 8 बजे रात के 8:15 बजे, और पन्ना जंगल का जो झिन्ना जोन है वहाँ पर ये नाइट सफारी के दौरान ब्रेक लेके बनाया जा रहा है, विदाउट ब्रेकिंग एनी फॉरेस्ट रूल. यहाँ एक मंदिर है वहाँ पर रुके, एंड मेरा वीडियो शूट किया जा रहा है बाय माय डियर फ्रेंड सुशील चिकने. एंड हम यहाँ पर अभिनव जी की जिप्सी और उनके लाइट की मदद से वीडियो बना रहे हैं. सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, और ये वीडियो ऐसे रोज बनते रहेंगे. आप प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और टिंग बेल आइकन दबाने को भूलिएगा मत. थैंक यू वेरी मच, इजाज़त लेता हूँ, बाय बाय, जय हिंद.